press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, हमेशा स्वस्थ रहो और खुश रहो। बच्चों, हम देख रहे थे कि टोपी इसका प्रतीक होती है, वो प्रतिष्ठा का, सम्मान का प्रतीक होती है, है ना। किसी की पगड़ी उछालना क्या है? किसी का अनादर करना है, उसको अपमानित करने जैसा है। और वही किसी को टोपी पहनाई जाए तो क्या है? किसी को मूर्ख बनाने की निशानी है। ये क्या प्रतीक करता है कि चलो हम उसको टोपी पहनाएंगे, हम उसको उल्लू बनाएंगे। वैसे हम देख रहे थे आपके वसंत भाग 3 का 18वां अध्याय टोपी, उसमें एक चिड़ा और एक चिड़िया। चिड़ा जो है गौरा, चिड़िया जो है वो गौरैया है, यानी मेल स्पैरो और फीमेल स्पैरो, इन दोनों की क्या है, इसमें संवाद है। यानी वो दोनों परम संगी हैं, आपस में एक साथ दोनों रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुबह सवेरे उड़ के तिनके की तलाश में जाते हैं, फिर शाम होते ही अपने अपने घोंसले वापस आकर सारे दिन का ब्यौरा, जो भी वो फासला, अपने जो भी दिन भर के कामकाज करके आए रहते हैं, वो सारे दोनों क्या है, आपस में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही डिस्कस करते करते, चर्चा करते करते क्या कहती है फीमेल स्पैरो जो रहती है गौरैया, इन्हें चिड़िया कहती है कि मनुष्य कपड़ों में कितना सुंदर लगता है। तो उसका विरुद्ध करता है चिड़ा, अरे क्या खाक अच्छा लगता है, ऐसे ही रहना क्या है, बहुत ही अच्छा प्रतीक होता है करके। तो चिड़िया जो है वो अपनी धुन की पक्की है और वो बहुत ही जिद्दी है। तो वो मनुष्य के कपड़े पहनना, मनुष्य का टोपी पहनना उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो भी चाहती है कि मैं भी उसी तरह की टोपी पहनूं। तो चिड़िया कहता है ये तो असंभव है, लेकिन चिड़िया क्या है, चैलेंज करती है, अपने निश्चय बना लेती है उनके, मैं उसको अवश्य, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूँगी, चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना आए, मैं टोपी बनवा के ही रहूँगी करके क्या है वो एक निर्णय लेती है। तो ऐसा करते करते दूसरे दिन फिर क्या है वो घूरे पर जाते हैं, जहाँ बहुत सारा कूड़ा जो पड़ा रहता है, उस स्थान में जाकर दाना चुगते समय क्या है, चिड़िया को एक रुई का आहा मिल जाता है, है ना, रुई, एक छोटा सा कॉटन, क्योंकि वो रुई का एक छोटा सा पाहा वो लेकर क्या है उछलने लग जाती है। मानो खुशी के मारे वो इतना नाचने लगती है, कूदने लगती है कि मानो टोपी तैयार हो गई हो, जैसे सिर्फ एक रुई का पाहा लेकर। तो उस रुई के पाहे के पीछे क्या है, गौरा जो है उस गौरैया को एक कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है कि तेरे ही जैसा एक और बावरा भी था, उसको भी क्या है सिर्फ एक चाबुक मिली थी, और उस चाबुक से क्या है वो समझता है कि मुझे सब कुछ मिल गया हो जैसे। अब उस सारी अपनी उम्र इसके पीछे क्या ढूंढने में लगा है, जो एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर जाने वाले व्यक्ति के हाथों वो चाटी जो घोड़े को मारने की होती है चाबुक, वो मिल जाती है। वो लेकर वो दीवाना जो है ये कहता हुआ फिरता है कि अब मुझे 3 चीज़ें चाहिए, क्या क्या, घोड़ा, जीन, है ना, और लगाम। तो ऐसे ही तू भी पागल हो गई है सिर्फ एक रुई का पाहा लेकर, मानो तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तूने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया मुझे से। बच्चों, क्या है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। अब ये भी एक हमारा समय जो है वो कष्टदायक समय ही है ना। आप कहाँ घर होते, आप तो विद्यालय में रहते, ये महामारी के कारण जो है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ हो, और इस तरह की क्या है क्लासेस आपको घर बैठे आ रही हैं। तो समझ लो ये भी एक जीवन में क्या है, एक कष्ट ही आया है, इसको भी हम खुशी खुशी चैलेंज करके क्या है जीवन में आगे चलते जाना है। इन्हीं क्लासेस का पूरा उपयोग करके आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है, आपकी गोल, आपका अचीवमेंट जो भी है उसको क्या है अचीव करना ही आपका काम है। इसलिए जी लगा कर अच्छे से पढ़ो और अपने उस मुकाम तक आप अवश्य पहुँचेंगे यदि आप मेहनत करोगे।
तो एक रुई का पाहा लेकर अब ये चिड़िया जो है ये धुनिए के पास गई है, क्योंकि वो कूड़ा करकट जो भूरा रहता है उस भूरे से वो रुई का पाहा मिला है। अब उस कॉटन को क्या है, उसकी सफाई करनी है, तो उसको साफ करने वाला कौन है, धुनिया, जो रुई को अच्छी तरह से धुनकर क्या है उस रुई को रुई की सफाई करके आपको लेना है। तो सबसे पहले क्या है, वो एक धुनिए के पास गई है, जाकर वहाँ उसे क्या मिन्नत करती है, फिर वो कितने स्टेजेस पार होके कौन से किस किस के पास जाकर आखिरकार वो टोपी बनवा लेती है, उसकी उस सफ़र में हम उसका साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं 18वां अध्याय पार्ट टोपी। टोपी तो आप सब लोग जानते हो ना, सर पर पहनने वाली चीज़ टोपी होती है। तो वो क्या है, बस चिड़ा से ने गौरा से कहती है, तुम बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का पाहा लिए एक धुनिए के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के पाहे को धुन दो। इन्हें वो धुनिया के पास जाकर बड़े मनोहार से, इन्हें मन से, इच्छा से, प्रेम से, प्यार से वो कह रही है कि हे धुनिया भैया तुम इस रुई को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वो कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की हुई धुनवाने। इनके बच्चों, राजा को क्या है, मैं देश के राजा को उसके प्रजा की चिंता होनी चाहिए, है ना। राजा, सच्चा राजा अर्थों में वही होता है जो अपनी प्रजा की चिंता करे, अपनी प्रजा के सारे कष्ट दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करे। लेकिन इस मुल्क का राजा, जहाँ पे ये दुनिया के पास गई है, उनके देश का राजा ऐसा है कि वो अपने सुख के लिए सारी प्रजा को क्या है, कष्ट दे रहा है। इन्हें जितने भी हुनरकार हैं, हुनर करने वाले हैं, ये सब से अपने लिए काम करवा रहा है, और वो भी मुफ्त में, यानी फोकट में करवा रहा है, फ्री में करवा रहा है बेचारों को, उनका उनकी मजदूरी, उनका लेबर जो है वो नहीं दे रहा है। सारे के सारे लोग, प्रजा जो है, सिर्फ राजा जी के लिए ही क्या है वहाँ पर काम कर रहे हैं, और सब लोग कहें बिजी हैं। तो ऐसे बिजी समय में ये चिड़िया जो है गौरैया रुई का पाहा लेकर गई है, तो वो बड़ी मिन्नत से मांगती है कि मेरी इस रुई को धुन दो, इसको साफ कर दो। तो वो क्या कहते हैं, अरे जाती है कि नहीं, अब वो तो मनुष्य के लिए काम करना मुश्किल है, और ये रहे पक्षी, तो वो कहता है क्या है, दुनिया बेचारा वो जो काम कर रहा था बहुत ही एज्ड था, बहुत बूढ़ा था व्यक्ति, वो जाड़े का मौसम था, बहुत कड़ाके की ठंड थी, वो उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी, सिर्फ एक मिर्जई पड़ी हुई थी, और वो भी फटी पुरानी कपड़े वो उसके तन पर थे, वो ठंड के कारण कांप रहा था। और चिड़िया को बोलता है कि तू जाती है कि नहीं, अरे तू चल यहाँ से, चली जा, देखती नहीं क्या, मुझे अपने राजा जी के लिए काम करना है, और राजा क्या इस क्या है, रजाई बनाना है। रजाई, रजाई यानी ब्लैंकेट। अब सबसे पहले क्या है, गौरैया किसके पास गई है, ये आपको क्या है ध्यान से सुनना है और समझना है कि सबसे पहले, दूसरे, तीसरे बार वो किस किस के पास जाती है। तो सबसे पहले वो दुनिया के पास गई है, और दुनिया क्या है, राजा के लिए क्या बना रहा है, रजाई बना रहा है, ब्लैंकेट सी रहा है, और वो भी मुफ्त की, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा है जो चाम का दाम चलाता है, मतलब हमारी मेहनत की वो मजदूरी ही नहीं देता, फोकट में काम करवाता है, ऊपर से अब तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने के लिए करके वो उसे क्या कर रहा है, डांट रहा है। उज्र ना करो भैये, गौरैया बोली, अरे तुम इसकी चिंता ना करो भैया, मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें इसकी पूरी मजदूरी दूंगी, पूरा मैं इसका चार्ज तुम्हें
धून घी करके क्या है, एक गौरैया एक पक्षी जो है वो धुनिए से कह रही है, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत यानी पैसा, जो काम करने के बाद पैसा दिया जाता है। जैसे हम अक्सर जाते हैं टेलर के पास, कपड़े सिलवाते हैं, फिर उसके पैसे दे आते हैं, तो उजरत यानी पैसा, लेबर मजदूरी जो है मैं पूरी तुम्हें दूंगी करके गौरैया क्या है धुनिए से कह रही है। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लो आधा मैं ले लूंगी। अरे इस रुई को तुम सफाई करके आधी रुई तुम अपने पास रख लो, आधी रुई मुझे दे दो। तो दुनिया क्या है उसे में बहुत खुश हो जाता है। क्यों होता है देखते हैं। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी, इतनी अच्छी कीमत कभी किसी ने दुनिया को नहीं दी थी, जो आज एक एक पक्षी इन्हें गौरैया उसे देने जा रही है। 16 आने में 8 आने मजदूरी, है ना 50 पैसा, 16 आने 16 पैसे की मजदूरी, अब वो आधी आधी होने पर उसे 8 आने उसे मिल जाएंगे। तो इसी से क्या है वो बहुत खुश है। ये 16 आने में 8 आने मिलना क्या है उसे एक सपना लग रहा था। वो झट तैयार हो गया। देखो मजदूरी सबको अपनी अपनी मेहनत की क्या है, अपने अपने परिश्रम का फल तो मिलना ही है ना। तो इस तरह से जीवन में इसकी पहली बार इतनी खरी इतनी अच्छी कीमत देकर क्या है वो राजा के लिए काम छोड़कर एक पक्षी के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया है दुनिया। तो शुरू हो गई उसकी घर चूँ यानी उसकी मशीन जो है उसकी तांती बज उठी, जो कि पूरी उसकी सफाई करने के लिए आपने देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट किस तरह का रहता है, तो इस तरह की तंती जो है स्ट्रिंग साफ करते समय उस तरह से उसका आवाज़ आने लगा। उसने बड़े मन से रुई को धुनी। अब जितनी अच्छी वो उसकी धुनाई करेगा उसको भी तो आधा आधी रुई मिल जाएगी ना, इस कारण वो बहुत अच्छी तरह से मन लगा कर क्या है साफ करने लगा। लोई से उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित गौरा गौरैया एक कोरी के यहाँ गए, तो बहुत ही खुश हो गए गौरा और गौरैया, उनका भी काम बन गया और उस दुनिया के काम भी बन जाता है। अब वहाँ से बड़े उत्साह के साथ खुश होकर गौरा और गौरैया किसके पास गए हैं, एक कोरी के पास गए हैं। कोरी, कोरी का क्या काम है, वह राजा के लिए क्या काम कर रहा है अब ये देखते हैं। यानी उस देश में हर प्रजा जो है सिर्फ राजा के लिए ही काम कर रहे हैं और वो भी मुफ्त का फोकट का। तो कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। अरे भैया कोरी भैया ये रुई जो है कॉटन इसकी सफाई हो गई है, अब तुम इसकी क्या है सूत काट दो, इन्हें इससे अच्छे से अच्छा मुझे सूत काट कर दे दो। तो कोरी बेचारी की कमर क्या है झुकी हुई थी, वो तो काम कर कर करके वो झुका हुआ था। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था, उसने भी अपने कंधे पर सिर्फ तार तार हुआ एक तौलिया सा डाल रखा था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, इन्हें सबसे पहले कोई भी यदि पक्षी आकर किसी से काम दे तो कोई भी क्या करेगा उसके लिए, तो हांग देगा भगा देगा उड़ा देगा, है ना। तो ऐसा उनको देकर वो भी बड़ी इच्छा तो नहीं बल्कि अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। तो वो भी बड़ी अनिच्छा से बोला, जिसकी कुछ भी इच्छा ही नहीं है राजा का काम करने के लिए, तो वो कहता है तुम लोग यहाँ से भागो, देख नहीं रहे हो मुझे राजा जी के लिए क्या है अचकन अचकन बनाना है, अचकन यानी ब्लेजर को कहते हैं सूट। देखिए गौरैया का सफर है दूसरे कहाँ जा रहे थे, वो कोरी के पास गई है और वो राजा जी के लिए क्या है अचकन तैयार कर रहा है, अचकन ब्लेजर जो है दें तो उसके लिए वो सूत काट रहा है। मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम्हारे इस रुई को क्या है सूत काटने की, मुफ्त में मुझे गाना बजाना नहीं है करके वो
डांटने लगा, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? यानी गौरैया उस कौरी से प्रश्न करिए, अरे भैया क्या इस देश में हर कोई व्यक्ति क्या सिर्फ राजा के लिए ही काम करता है क्या? गौरैया अचरज से बोली, अचरज ने आश्चर्य से पूछती है, तू किस मुल्क से आई है? तो कौरी गौरैया से कह रहा है, अरे गौरैया तू किस मुल्क की है? मुल्क यानी देश, मुल्क एक उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है देश। अरे इस देश में क्या सब लोग राजा के लिए काम कर रहे हो क्या? तो उसके उस प्रश्न पर कौरी कहता है, तू किस देश की आई है? कौरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, अरे यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का तरीका क्या है तू नहीं जानती क्या? खटमरे बरधा बैठा था है तुरंग, यानी बैलों के कोलों के बैलों की तरह यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। तुरंग यानी घोड़ा, जिस तरह से घोड़ा बैठकर आराम से खाता है उस तरह का है यहाँ का तरीका। तुरंग यानी घोड़ा, बरधा यानी बैल, मेहनत बैल कर रहा करता है और यहाँ का पर घोड़ा बैठ कर खाता है, ऐसा है यहाँ का रिवाज, यानी हम बेकार में मरे और राजा जी क्या है ऐश करते हैं। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है, यहाँ का चलन तौर तरीका क्या है सब राजा के लिए ही है। राजा जी के लगुए भगुए भी तो बहुत हैं, अरे पता नहीं कहाँ पर कब कोई जाकर राजा जी से हमारी शिकायत कर दे कि हम क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर लगाने वाले भी आगे पीछे के लोग क्या हैं, चाटुकारी के लोग बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है, जो किसी की जाकर चुगली करते हैं राजा क्या है उनको प्रसन्न करते हैं, ऐसा है यहाँ का तरीका। इसलिए यहाँ पर लगवे भगवे यानी लगाने वाले बुझाने वाले लोग जो हैं बहुत हैं। मुकरो मत भैया, मुकरो मत, अरे तुम मेरे बात को इनकार मत करो, मुकरो मत यानी इनकार करना, मेरे कहे को इनकार मत करो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, हम तुम्हें पूरी रकम देंगे, पूरा अमाउंट जो है मैं तुम्हें दूंगी। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी, तुम इसके अच्छी तरह से काट दो यानी उसके कपड़ा बना दो, आधा तुम ले लो और आधा मुझे दे दो। तो कौरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती, यानी इतनी अच्छा इन्हें लेन देन जो है आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय, इन्हें वस्तु के बदले वस्तु, यहाँ पर क्या हो रहा है गौरैया अपना भी काम करवा रही है और उनको भी पूरी की पूरी मजदूरी परिश्रमी क्या है परिश्रमी दे रही है। तो इतनी अच्छी वाजिब मजदूरी ने इतनी अच्छी मजदूरी पे अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये मेरी क्या है मूर्खता होगी करके कोरी भी उस सूत काटने को तैयार हो जाता है। तो तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, तो क्या है उसकी भी तंती यानी चरखा, चरखे में क्या बनाया जाता है उम्दा कपड़ा तैयार होता है ना, तो सूत काटने के लिए मतलब रुई से कपड़ा बनाना है, तो उसकी भी चरखी चलने लगी, चरखी ताता थैया करने लगी, मतलब वो राजा का काम छोड़ इस चिड़िया का काम गौरैया के काम करने के लिए तैयार हो गया। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, इन्हें बहुत ही उम्दा बहुत ही अच्छा कपड़ा तैयार हो गया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, इन्हें जहाँ पे भी जाए हर कदम में हमें क्या है सफलता मिले तो हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, यही हमारे भी जीवन का क्या है लक्ष्य होना है ना, तो हर कदम में आए ने हर कदम यानी हर कदम आगे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, अपने पाँव को हम आगे आगे बढ़ाते जाएं तो हर स्टेप पे क्या है हमें अपने काम के लिए पूरे का पूरा उत्साह मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग हर कोई दे रहा है, तो गौरैया आगे ही आगे बढ़ती गई। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इस रार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, इन्हें अब कहाँ गए हैं बुनने वाला, सर
बुनकर के पास गए हैं, तो वो वहाँ पर जाकर क्या है, इसरार करने लगे, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करने लगे कि भैया भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। यानी कि चरखे में क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है ना। तो चरखी में कोरी के पास वो धागा तैयार हो गया है उस उम्दा रुई के पाहे से। अब वो धागा लेकर किसके पास आए हैं, बुनने वाले के पास, बीवन के पास आए हैं। वो उसे बुनने के लिए कह रहे हैं, कपड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अरे वो तो इन दोनों पक्षियों को देखकर हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया। हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, साव करे से भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। यानी कि बुनकर के पास आए हैं तो वो हैरान होकर इन दोनों को देखकर उनको भगाने की सोचता है। अरे भागते नहीं हो यहाँ से, हटते हो कि नहीं, चले जाओ यहाँ से, देखते नहीं, मुझे क्या है, राजा जी के लिए बागा बुनना है, राजा जी के लिए बागा बुनना है। तो ये बुनकर राजा का वो काम में लगा है। अभी अभी राजा के कारिंदे ने उसके पास रहने वाले नौकर यहाँ पर आ जाएंगे देखने के लिए कि हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। साव करे अले हम मेहनत करने वाले हम हैं, और कीमत खाने वाले, पैसे खाने वाले उसके राजा के ये नौकर चाकर हैं। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोग कर कहा, और भी हिम्मत बढ़ाते हुए गौरैया कहती है, अरे भैया इसे तुम बुन दो, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, अरे हम तो फोकट का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। तो इसे अच्छे से अच्छे कपड़े में तैयार कर दे, आधा कपड़ा तू ले लेना, आधा हमें दे देना, हम राजा की तरह फोकट का काम नहीं करवाएंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। अरे वो भी सोचता है, अरे कितना अच्छा बिजनेस है, इससे कितनी अच्छी मुझे आमदनी मिलेगी, मैं इसे अच्छे से अच्छे दाम वसूल कर लूँगा करके वो तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया, उसकी करघा चलने लगी। मैंने सब कुछ, सब जो कुछ भी था वहाँ पर हटाकर उन चीज़ों को ताना बाना पसार दिया, सब तैयारी करके उसने उसका करघा चलने लगा, यानी उसकी मशीन क्या है, चलने लगी, ढरकी ढलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफ्श और दबीज कपड़ा बुन दिया, यानी गफ्श एकदम अच्छा और क्वालिटी क्लॉथ जो है उसने तैयार कर दिया। आधा उसने ले लिया और आधा गौरा गौरैया ने ले लिया, इन्होंने यानी गौरा और गौरैया ने ले लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी 1/3 पार्ट तो गौरैया का पूरा हो चुका था। कपड़ा लिए दिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची, यानी के फर्स्ट दूसरा, दूसरे पहली दुनिया के पास, दूसरा कोरी के पास, तीसरा बुनकर के पास, चौथा अब दर्जी के पास गए हैं। दर्जी किसे कहते हैं, टेलर को कहते हैं, टेलर जो कि सबसे पहले रुई का पाहा लेकर दुनिया के पास धुनवा लेती है, जो रजाई बनाने में तैयार है बैठा रहता है, वो काम राजा का छोड़ के इसकी रुई को धुन देता है। रुई धुनने के बाद कोरी जो उसका कपड़ा, यानी कि उसका सूत काटने का काम किसका है, कोरी का, यानी अच्छा से अच्छा धागा बनाना, दुनिया के पास धुनवाने के लिए रुई को धुनवाने जाती है, यानी सफाई करने के लिए, कोरी के पास सूत करने अच्छे से अच्छा धागा बनाने के लिए जाती है, बुनकर के पास कपड़ा तैयार होता है, कपड़ा बुनकर दे देता है वो, फिर आधा उसे लेकर आधा स्वयं लेकर वो अभी दर्जी के पास गए हैं। देखते हैं दर्जी राजा का क्या काम कर रहा है।
गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो फाइनली आई है वो टोपी बनवाने के लिए। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला। वो गुस्से में आकर कहते हैं, अरे चल यहाँ से, जाती है कि नहीं, खिसको यहाँ से, हट जाओ, चले जाओ। देखते नहीं राजा जी के 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अरे तुम्हें पता नहीं हमारे राजा जो हैं उनकी कितनी रानियां हैं? 7 रानियां हैं उनके। एक राजा के 7 क्वींस, एक किंग के 7 क्वींस हैं, और वो 7th क्वींस से क्या है, 9 बेटियों के बाद वो 7वीं रानी क्या है, 9 बेटियां हैं, डॉटर्स, 9 डॉटर्स के बाद अब जाके 10th बेटा पैदा हुआ है, सन बेटा। यानी कि 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। ने राजा के उस रतन के लिए मुझे क्या करने हैं, झब्बे, ने झबला जो कहते हैं ना, टॉप कुर्तास, छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं झब्बे, मुझे वो सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। अरे राजा तो हमें अपनी मजदूरी तो देता नहीं है, पोकट में काम करवाता है, हम तो मेहनत करते करके पसीना छूट गया है, बेकार का है करके वो पसीना पोंछते हुए इन पक्षियों को डांट कर भगाने की सोच रहा है। हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं, हम तुम्हें पूरी पगार देंगे, हम तुम्हें पूरी मजदूरी देंगे, बेकार ने बेकार में हम तुम्हें काम नहीं देंगे। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। ये देखो अच्छे से अच्छा का कपड़ा बुन गया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये कपड़ा है, इसे तुम 2 टोपियां सी दो, एक मुझे दे दो, एक तुम स्वयं रख लो, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। ये है बच्चों चतुरता, जो कि गौरैया पूरी चतुर जो है और अपने पन की पक्की जो है, जिद्दी जो है, इस तरह से सारी के सारे लेबरों को, मजदूरों को उनकी मजदूरी पूरी दे कर क्या है, वो अपना भी काम कर रही है और उनका भी काम बना रही है। तो इस तरह से अब फाइनली वो टोपी सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास आ गई है। तो दर्जी उस समय क्या कर रहा है, एक राजा के कितनी रानियां हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा, राजा के 7 रानियां, क्वींस, रानी एक वचन, रानियां बहुवचन, 7 रानियां हैं और 7वीं रानी से 7वीं रानी की 9 बेटियां हैं, बेटी बेटियां, डॉटर्स डॉटर्स। अब 10th जो है बेटा पैदा हुआ है, बेटे के लिए ये सारे के सारे कारीगर जो है राजा के लिए इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी थे, समझ गए आप। तो इस तरह से क्या है, दर्जी के पास गई है, वो भी मना कर रहा है और वो कहते हैं हम बेगार में काम नहीं करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, मुफ्त का काम नहीं करवाएंगे, 2 टोपियां सिल दें, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार ना होता। अरे तो मुंह मांगी मजूरी हो गई, अच्छे से अच्छे हम, मैं इसको बेचूंगा तो मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी करके वो भी तैयार हो गया। कच कच उसकी खैंची चल उठी, यानी सीजर्स ले लिया उसने, कपड़े को काटना शुरू कर दिया और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। आप तो देखे होंगे यंत्र मशीन किस तरह से सिया जाता है कपड़ा, सुई जो है नीडल अंदर बाहर होती हुई, यानी कि सर से टोपी सिलती गई। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी, बड़ी इच्छा पूर्ण इच्छा से उसने मन लगा कर, जो कि रोते रोते राजा का काम कर रहा था, वो अब मन लगा कर क्या है, टोपियां सी रहा है। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 कुंदने भी जड़ दिए। इन्हें वो तो इतना खुश हो गया कि गौरैया के बिना कहे ही क्या करने लगा, वो 2 टोपियां सिल दी दर्जी ने, 2 टोपियां सी कर, एक टोपी पर उसने कितने कुंदने,
पांच कुंदने जो है, समझ लो ये टोपी है, इसके ऊपर डिजाइन जो है पांच कुंदने इस तरह से उसने तैयार कर लिए। कुंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में ना रही, यानी टोपी पे डेकोरेशन के लिए पांच कुंदने जो हैं वो भी अटैच कर दिए हैं उसने, तो वो पहनकर गौरैया क्या है अपने आप में नहीं है, डेढ़ डांगों पर ही लगी नाचने, मतलब एक डांग उठा कर वो वहीं पर नाचने लग गई। इन्हें टोपी वो अपने सर पे पहनी है और खुश होकर क्या है वो आपे में नहीं है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, बल्कि वो नाच रही है, उदक उदक कर लगी गौरा को दिखाने। इन्हें वो अपने मेल्स प्यार वो गौरा को जिसने चैलेंज किया था ना कि उसको दिखा रही है, देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच कुंदने वाली, तो वो गौरा के लिए गीत गा रही है, देख मेरी टोपी सबसे निराली इन्हें सबसे सुंदर है, और वो भी उस पर भी पांच कुंदने लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर आपने देखे होंगे टोपियों पर सजाने के लिए पांच इस तरह से कुंदने लगाए हैं। वाकई तो रानी लग रही है, ये किसने कहा, गौरा ने कहा। तो जैसे ही गौरा ने गौरैया के सर पर टोपी देखा तो वो भी खुश हो गया और कह रहा है अरे हाँ, अरे तू तो सचमुच रानी लग रही है, रानी तू भी क्वीन लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, जो कि मना कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि ये काम वो कर नहीं पाएगी, तो उसका क्या काम देकर वो भी खुश हो रहा है और उसके मुख से आखिरकार निकल पड़ा कि वाकई तू तो रानी लग रही है, बहुत सुंदर दिख रही हो। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, ये किसने कहा, गौरैया ने। गौरैया कह रही है अरे टोपी तो राजा पहनता है, इसलिए मेरे राजा तुम मुझे रानी नहीं, मुझे तुम राजा कहो। यानी कि बच्चों आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे कि टोपी दर्जी ने कितनी टोपियाँ सिलवाई और टोपी पर क्या लगवाई, कुंदने लगवाए, कुंदने और उन्हें कितने, पांच, पांच कुंदने वाली टोपी तैयार हो गई। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। तो जैसे ही उसके सर पे टोपी क्या आ गई, मानो वो क्या सोच रही है उसका तो काम पूरा हो गया है, और कह रही है गौरा से कि चलो अब चलकर उस राजा का जायजा ले आ जाए, चलकर हम खोज करते हैं वो राजा आखिर वो कौन है जो अपनी प्रजा से इस तरह से वो लूट रहा है, बेचारों को इतना कष्ट दे रहा है, चलो उसका भी हम जायजा ले लेंगे, इन्हें खोज उसकी भी हम कर लेंगे। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, तो सर पे टोपी पहने हुए सीधे वो राजा के महल के पास गई और राजा के महल के कंगूरे, उसका कंपाउंड जो रहता है, कंपाउंड के ऊपर जो इस तरह से डिजाइन रहता है महल में, पैलेस में, तो वहाँ पे कंगूरे पे क्या है चिड़िया वहाँ पर आकर बैठी है, जिसके सर पर टोपी है वो भी पांच कुंदने वाली, तो राजा के महल के कंगूरे पर वो बैठी है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। यानी गौरैया जाकर क्या देख रही है, उसी वक्त जब ये जाकर उसके आंगन में एक कंगूरे पर बैठी है, तो वहाँ से क्या देखती है, अपने चौबारे पर, यानी राजा बाहर अपने चौबारे में, इनके वहाँ पर जो रूम है उस रूम में वो अपने टहलुओं से, यानी अपने नौकरों से क्या है, खुली धूप में, बाहर धूप पर जो पड़ी है उस पर वो अपने टहलुओं ने अपने नौकरों से वो मसाज करवा रहा है, फुलेल की मालिश, जो खुशबूदार तेल होता है ऑयल, उस ऑयल से क्या है वो मालिश करवा रहा है, मसाज करवा रहा है अपने नौकरों से। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था, यानी राजा तो मालिश करवाने के लिए क्या है अधनंगा है, शर्ट उसने कपड़े पूरे कपड़े उसने पहने नहीं हैं और उसके सर पर क्या है टोपी भी नहीं है। राजा का प्रतीक क्या है उसके सर पर, उसकी टोपी ही उसके राजा की प्रतीक होती है, लेकिन वही इसके सर से क्या है गायब है, क्योंकि
क्योंकि वो मालिश करवा रहा था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, इन्हें एक नौकर जो है उसके सर पर मसाज कर रहा था, तो दूसरा हाथों की उंगलियां फोड़ रहा था। एक कितने नौकर हैं वहाँ पर? चार नौकर हैं। सर के पास एक, पांव के पास एक, इस हाथ के पास एक, पीठ के पास एक। सारे के सारे क्या है, नौकर अपने अपने काम में ये राजा की मालिश के लिए तत्पर हैं। तो तीसरा पीठ पर मुट्ठी मार रहा था, पीठ पर उसकी माँ मसाज कर रहा है। तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था पांव के पास, वो वहाँ पे मसाज कर रहा है। हर एक नौकर क्या है, राजा के काम में व्यस्त है। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, राजा के सर पर टोपी नहीं। देखिए गौरैया क्या है, वहीं दूर बैठी है राजा को देखकर चिल्ला रही है, अरे देखो मेरे सर पर टोपी है और राजा के सर पर टोपी ही नहीं है, करके वो उसको उकसा रही है। तो उसके इस उकसाने पर राजा क्या करता है, ये हम देखेंगे अगली कक्षा में। आशा करती हूँ बच्चों बहुत अच्छा लग रहा होगा पाठ और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको मैंने यहीं करवाते ही आपको समझाया है कि गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, यानी प्रत्येक कार्यक्रम ने यहाँ पर दिया है किस किस के पास वो जाती है, ये सात लोगों के पास हो जाती है। सबसे पहले दुनिया, कोरी, बुनकर, दर्जी। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को आप लोगों को क्या है, लिखना है। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 कुंदरे क्यों जड़ दिए, क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाता है ना उसकी उस सुसली पर, क्योंकि वो एक टोपी उसको देने वाली है, तो इस मारी खुशी के वो एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी टोपी पर कर दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग भी। बार बार इस पाठ को पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।